नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भाजपा की नई हनुमान बने चिराग पासवान। दरअसल कुढ़नी में हुए उपचुनाव के जीत का जो श्रेय है वो भाजपा ने चिराग पासवान को दिया है। दरअसल कुढ़नी उपचुनाव में जीत भाजपा को अनुसूचित जाति के वोटरों ने दिलवाया है और अनुसूचित जाति के वोटरों का जो वोट है वो चिराग पासवान ने भाजपा के खाते में लाया। दरअसल आपको बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी के जीत का जो पूरा का पूरा श्रेय है वो चिराग पासवान को जाता है। चिराग पासवान ने जो जनसभा की है, जो रैली की है कुढ़नी में, उसी का नतीजा है कि आज हम कुढ़नी में जीत पाए हैं। बीजेपी की इस जीत में नेताओं की भूमिका पर चर्चा चल रही है। पिछले चुनाव में राजद की जीत को देखते हुए महागठबंधन का समीकरण मजबूत माना जा रहा था। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की चार सभाओं के बाद वोटों का बिखराव भी थम गया था। उन्होंने जदयू उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा को माफ करते हुए लालू प्रसाद यादव के लिए वोट करने की अपील कर दी। यहां से जदयू का पलड़ा भारी लगने लगा था, मगर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान की सभा ने चुनाव को और भी रोमांचक कर दिया। चिराग ने अपनी सभा में राज्य सरकार की शराबबंदी को लेकर हो रही पुलिस की कार्रवाई से नाराज अनुसूचित जाति के वोटरों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। पिता रामविलास पासवान का नाम लेकर स्वजातीय पासवान वोटरों से भाजपा की मदद करने की अपील कर दी। नतीजा यह रहा कि भाजपा के परंपरागत वोट को अनुसूचित जातियों का साथ मिला। इस समीकरण के ने अंत में भाजपा को जीत दिला दी। भाजपा उम्मीदवार ने पासवान और अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में बढ़त बनाई। दूसरी ओर जदयू की यह हार समीकरण को देखते हुए काफी मंथन का विषय है। यह इसलिए कि माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परंपरागत वोट कुशवाहा और कुर्मी का भी साथ मिला। कई मंत्रियों ने यहां डेरा डाले रखा। इसके बाद भी यह हार नहीं नई चर्चा छेड़ सकती है, क्योंकि राजद यहाँ बिना जदयू की मदद के चुनाव जीत चुकी थी। आपको बताएं कि राजनीति के जानकारों की माने तो जदयू उम्मीदवार के खिलाफ मतदाता नाराज थे। साथ ही राज्य सरकार की नीतियों पर चिराग ने प्रहार कर भाजपा को जीत दिला दी। एक और महत्वपूर्ण बात यह रहा कि वीआईपी के नीलाभ कुमार को उनका स्वजातीय वोट नहीं मिला, इस कारण भाजपा के वोट में बिखराव नहीं हुआ। तो देखिए, कुढ़नी में वीआईपी के नीलाभ कुमार भी एक मायने से भाजपा के लिए जीत दिलवाने का काम किए। ऐसा माना जा रहा है कि वीआईपी के नीलाभ कुमार ने वोट कटवा का काम किया और वहां जो वोट कटा वो भाजपा के खाते में आ गया। और ना ही सिर्फ नीलाभ कुमार बल्कि सबसे ज़्यादा श्रेय जिसे दी जा रही है वो है चिराग पासवान। दरअसल चिराग पासवान ने एक जनसभा किया था जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को भाजपा को वोट देने की अपील कर दी। बिहार में शराबबंदी और बिहार में पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करते हुए चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए और यही कारण हुआ कि कुढ़नी में भाजपा की जीत हुई और जदयू की हार। इस मायने में भी देखी जा रही है कि जहां एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पहली बार अकेले चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव में वो हार गए। तो ये भी कहा जा रहा है कि यह हार महागठबंधन या जदयू की नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हार है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।